माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में जो व्यवस्था है नगर पालिकाओं की, मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा आपके माध्यम से कि हमारे यहाँ व्यवस्था जैसे पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है, ऐसे शहरों में मध्य प्रदेश में एक व्यवस्था लागू होती है। हमने क्या किया, राजनीतिक आधार पर छोटे छोटे कस्बों को भी नगर पालिका घोषित कर दिया। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, वहाँ एक मध्य प्रदेश में नगर पंचायत शब्द चलता है, नगर पंचायत एक व्यवस्था है, तो जो छोटे कस्बे हैं जिनकी 15,000 से नीचे पॉपुलेशन है, वहाँ एक कानून बना करके नगर पंचायत, नगर निगम, जो बार बार नगर पालिकाओं की मांग आती है, वो मांग भी समाप्त हो जाएगी और छोटी नगर पालिका है 15,000 से नीचे, वो नगर पंचायत उसको घोषित करके हम करें। माननीय मंत्री महोदय ने पिछली बार मुझे कहा था, मेरी विधानसभा मावली में मैंने उनसे निवेदन किया था कि वहाँ पर आसपास फतेहनगर के कस्बे में आसपास पंचायतें जुड़ गई है, कस्बे से मिल गई है, आपको हाउसिंग बोर्ड की स्कीम की व्यवस्था करवा करके वहाँ की, तो उन्होंने स्वीकार किया था, मैं इसकी सर्वे करूँगा। तो मेरी पुनः आपसे प्रार्थना है कि नगर पंचायत उस फतेहनगर पालिका के आसपास की पंचायतों का सर्वे करके उनको नगर पालिका मिला करके और ऐसी सर्वे करवा के हाउसिंग बोर्ड की कोई व्यवस्था कराए। अभी ऋषभदेव नगर पालिका की घोषणा की, मेरी आपसे प्रार्थना है, ऋषभदेव कस्बा, ये ठीक है दयाराम जी मंत्री रहे उनका क्षेत्र है, परंतु राजनीतिक आधार पे भेदभाव करके नहीं, मेरी मावली को भी नगर पालिका घोषित किया जाए, ये मेरी प्रार्थना है। वहां की एक बड़ी समस्या, विनोबा भावे फतेहनगर आए थे आजादी के बाद और उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया और अनेक गरीबों को सरकार से जमीन लेके गरीबों को दी जमीन। वो आज क्या हुआ, वो जमीने, उन गरीबों की जमीने, पैसे वाले लोगों ने जमीने ले ली वो, और जमीने लेकर के यहाँ भूदान बोर्ड है उससे आश्चर्य, जमीन हस्तांतरित नहीं हो सकती, उसके बाद भी लोगों ने यहाँ NOC लेकर के, अनेक पैसे वाले लोगों ने वो जमीन लेके कब्जा कर रखा। मेरी आपसे प्रार्थना है सरकार से, ऐसी जमीन को वो वापिस उसकी जांच करवा के और ऐसी व्यवस्था करें। फतेहनगर कस्बे में 1955 में 87 बीघा जमीन पूरे फतेहनगर जो कस्बा अंदर का बसा हुआ है, वल्लभ नगर के SDM ने वो जमीन अलॉट की। उसके बाद हमारे यहाँ पंचायत राज कानून लागू हो गया, फतेहनगर जो है कस्बा वो सनवार पंचायत में आ गया, सनवार पंचायत ने वो दुकानें अलॉट कर दी, घर अलॉट कर दिए। आज पूरा फतेहनगर कस्बा 87 बीघा में जो बसा हुआ है वो ऐसा मानना चाहिए सरकार के रिकॉर्ड के हिसाब से अवैध है। 55 की उनके पास जमीन के अलॉटमेंट के कागज है, उसकी रसीद है, और उसके बाद पंचायत ने पट्टे दिए उसकी भी रसीद है, परंतु वो नगर पालिका ने अभी उनको पट्टे नहीं दिए। मेरी सरकार से प्रार्थना है वो सिद्धि 87 बीघा जो 100 साल से लोग बसे हुए हैं फतेहनगर के बसने के साथ ही, उनको वहां बसा के उसकी व्यवस्था किया जाए। माननीय सभापति महोदय, हमारे मावली क्षेत्र के कुछ गांव उदयपुर की UIT में पैराफेरी में आए हैं। अब पैराफेरी की पंचायत की वो जमीन नहीं, जमीन UIT में चली गई, पंचायत उसका पट्टा नहीं दे सकता, विकास का काम UIT करवाएगी। पहले जब जनप्रतिनिधि चेयरमैन होते थे, चाहे कांग्रेस के हो भाजपा के हो, पर पैराफेरी के गांव उन्होंने विकास के काम किए, परंतु जब से अधिकारी आए, अधिकारी सड़कें टूट गई, वहां पंचायत पट्टा दे नहीं सकती, UIT पट्टा दे रही है। मेरी प्रार्थना है ऐसे मावली विधानसभा के 15 गांव में विकास के काम जो पेंडिंग है उसको करवाया जाए। उदयपुर जिले के कुल मिला के 27 गांव है। माननीय सभापति महोदय, उनको निर्माण की अनुमति नहीं, शहर में UIT में ऐसी स्थिति है कि कॉम्प्लेक्स की परमिशन मिल गई, लोग रह रहे हैं, लोगों ने पट्टे ले लिए, अब वहां पानी निकासी कोई व्यवस्था नहीं है, UIT के पास आदमी भटकता है, तो UIT कहती है कि भाई सामने निजी जमीन आ गई है और निजी जमीन के कारण पानी कोई निकासी नहीं है, वहां भारी गंदगी फैल रही है। तो मेरी आपसे प्रार्थना, इसको भी ठीक किया जाए। माननीय सभापति महोदय, शहर से लगा बेदला कस्बा है जो मावली विधानसभा होता है, बिल्कुल शहर में ही है, वहां की स्थिति यह है, एक पुलिया बनानी है। अभी फोटो आया था अखबार में, राजस्थान पत्रिका में, कि वहां एक व्यक्ति की डेथ होगी,
शमशान घाट जाने के लिए और तीन तीन फीट पानी में डेड बॉडी को लेके जा रहे हैं। मैंने अनेक पत्र लिखे यूआईटी को, तो मेरी आपसे प्रार्थना है माननीय मंत्री महोदय कि बेदला की पुलिया शमशान घाट का रास्ता बनाया जाए। इसी प्रकार हिंदुस्तान जिससे लगा बिछी, जो हमारी बिछड़ी पंचायत है, वो बारिश में चंगेड़ी गांव है बिछड़ी पंचायत का, वो बारिश में कट जाता है, शहर से लगा हुआ एरिया। वो भी आपसे मेरी प्रार्थना है, पहले यूआईटी ने रपट बनाई थी, उसकी बजाय नए सिरे से वहां पुलिया का निर्माण कराया जाए। कृषि भूमि के पट्टे दिए जा रहे हैं और कृषि भूमि के पट्टे के साथ ही वो जो डेवलपमेंट का काम है यूआईटी के पास नहीं, हमारे उदयपुर में लगभग 100 कॉलोनी ऐसी है जहां पर सरकार को आय हो सकती है। सरकार वहां से किसी भी कीमत में, चाहे भाजपा की सरकार हो कांग्रेस की सरकार हो, उन लोगों को बेदखल नहीं कर सकती। तो मेरी सरकार से प्रार्थना है, उदयपुर में जैसे सहेली नगर है, शहर के बीच में आ गया, महाराणा प्रताप कॉलोनी है, हमारा हर्ष नगर है सिसारमा पर, वहां सैकड़ों मकान बन गए, यूआईटी किसी भी कीमत में, कोई सी सरकार उसको हटा नहीं सकती। क्यों नहीं उनको कन्वर्ट करके, मिनिमम सड़क निकाल के कन्वर्ट करके, सरकार को उससे रेवेन्यू प्राप्त होगा और लोगों को पट्टे मिल जाएंगे, ये भी एक बड़ी सुविधा हो जाएगी। यूआईटी उदयपुर की यूआईटी रेन हार्वेस्टिंग नाम से पैसा लेती है, 3000 स्क्वायर फीट से ऊपर के प्लॉट पे पैसा जमा करती है, पैसा जमा करा लिया, पट्टा ले गया, वो निर्माण का स्वीकृति होगी उसको, वो निर्माण कर रहा है, परंतु उसे सिस्टम दे लगाया, यूआईटी के पास मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना, वो व्यवस्था करें। एक बार मेरा निवेदन, पिछली बार निवेदन किया था, छोटे प्लॉट है, 1000-1200 फीट के प्लॉट है, क्यों नहीं आप मानक तय करके एक मॉडल बना करके, भाई 30 फीट की रोड पर है, ये 200 नक्शे हैं, इसमें सिलेक्शन कर लें कौन सा आपको चाहिए, यूआईटी नगर पालिका में पैसा जमा कर दें और पैसा जमा कर अपना काम चालू करें। कोई भी इंस्पेक्टर जाएगा, कोई परेशानी, जो नियम से चलने वाले लोग हैं उनको कोई परेशानी नहीं होगी। माननीय सभापति महोदय, अभी उदयपुर में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, 1200 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिए हैं। आपको आश्चर्य होगा, स्मार्ट सिटी में कोई बाहर का अधिकारी नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है, नगर पालिका के कर्मचारी उसमें काम कर रहे हैं। और अभी भी लगभग 1.5-2 महीने पहले 2 लाख रुपए का अधिकारी रिश्वत लेके पकड़ा गया। आपसे मेरी प्रार्थना है, स्मार्ट सिटी में मॉनिटरिंग की व्यवस्था करवाई जाए, अलग से एजेंसी व्यवस्था की करवाई जाए। आपको आश्चर्य होगा, सीवरेज की लाइन पड़ रही है, सीवरेज की लाइन में कहीं कहीं पर 6-6 इंच के पाइप है। अब जो समतल एरिया है, समतल एरिया में क्या होगा कि आदमी के बेडरूम में उसका पाइप फूटेगा, गंदगी वहां फैलेगी। फिर आपसे एक प्रार्थना है, उदयपुर में सीवरेज लाइन, पहले भी नो कंस्ट्रक्शन जोन में, पिछोला में, फतेह सागर में होकर के सीवरेज लाइन पड़ी है। आज कई बार ऐसा वहां होता है कि उस पानी के फवारे उसमें छूटते हैं सीवरेज के, फिर अधिकारी दौड़ते हैं, परंतु किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई आज दिन तक नहीं हुई है। मेरी आपसे प्रार्थना, इसको भी ठीक किया जाए। सामुदायिक भवन यूआईटी बना रखे हैं, नगर पालिका बना रखे हैं, सामुदायिक भवन एक बार बना दिए, पैसे लगाए, उस पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं है, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है, इसको भी आप ठीक करें। मेरी आपसे प्रार्थना, मोटा मोटा ये आपसे निवेदन करना था, निर्माण कार्य, अवैध निर्माण यूआईटी तोड़ती है, फिर वापस बन जाते हैं, पता नहीं कहां से परमिशन आते हैं। वो छोटे गरीब आदमी का निर्माण तोड़ता है तो वो हिम्मत नहीं करता दूसरी बार बनाने की, परंतु जो पैसे वाले लोग हैं जिनके कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, आपको आश्चर्य होगा सब जगह परमिशन 4 मंजिल की, 5 मंजिल की है, उसे 2-2-3-3 मंजिल एक्स्ट्रा बना दिए। मेरा आपसे निवेदन है, एक सामूहिक रूप से इसको किया जाए। उदयपुर में एक निजी हॉस्पिटल है जिसको सरकार ने 1 रुपए में जमीन दी है, सरकारी जो बंगले हैं शहर के बीच में, सरकारी बंगलों को तोड़ करके उसको जमीन दी, आज वहां लूट मची हुई है, सरकार की कोई मॉनिटरिंग नहीं है। आपसे मेरी प्रार्थना, इन सब बातों को ध्यान देकर के, मॉनिटरिंग करके व्यवस्था को ठीक किया जाए, ये मेरी प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। माननीय श्री वेद प्रकाश सोलंकी। बहुत धन्यवाद सभापति महोदय।